जिला मुख्यालय सोलन में आज कांग्रेस द्वारा प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों बागवानों के मुद्दे को दरकिनार करने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर शहर के ओल्ड डीसी ऑफिस तक रैली के रूप में किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार फिर भी बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जेई की भर्ती में बिहार के 16 व्यक्तियों को नौकरी दी गई। इसका साफ संकेत है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों को अनदेखी कर दूसरे राज्यों के लोगों को तवज्जो दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान बागवान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर है, लेकिन प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। इन चुनावों में कांग्रेस को जीतने के लिए प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर ध्यान रख भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। देश जो है वो पूरी तरह से महंगाई से जूझ रहा है। प्रदेश में जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ तो पूरे देश में रही है, पर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, यहाँ महंगाई और जगह अगर 10 रुपये बढ़ते हैं तो यहाँ महंगाई सीधी 30 रुपये बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। महंगाई से पूरा प्रदेश महंगाई को झेल रहा है। रसोई गैस जो गृहिणियों की मुख्य एक साधन है, उसके दाम जो है एक साल के अंदर 398 रुपये बढ़ा दिए गए। एक साल भी नहीं हुआ, जनवरी से और सितंबर तक जो है 9 महीनों में 398 रुपये बढ़ा दिए गए। अनेक क्षेत्रों में देख लो, खाने वाला जो तेल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दालें कहाँ पहुँच गई, चीनी कहाँ पहुँच गई, आम जो आदमी की जरूरतें हैं वो जरूरतों का सामान है वो कितना महंगा हो गया है। हैरानी तो इस बात की होती है कि एक और तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से पूरा ही प्रदेश त्रस्त है, और दूसरी ओर जो किसान हैं, हमारे बागवान भाई हैं, उनको उनकी उपज का सही पैसा नहीं मिलता। पूर्ण रूप से सरकार फेल हो चुकी है, रोजगार बिल्कुल नहीं है हिमाचल प्रदेश में, कोई किसी तरह का रोजगार किसी को मुहैया नहीं कराया जा रहा। और हैरानी की बात तो ये होती है कि अगर रोजगार के कोई साधन, कोई एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन निकलते हैं और उनके किसी तरह से भी होता है, पिछले दरवाजे से भी अगर ये कर रहे हैं भर्तियां, तो बिहार के लोगों की भर्तियां, और ये अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जिस तरह की भर्तियां हुई, और उसमें जो है वो बिहार के और बाहर के प्रदेशों के नवयुवकों को यहां लगा दिया गया। मैं समझता हूं हमारे भी डिग्री धारक यहां सैकड़ों के हिसाब से सड़कों पर हैं। तो ये जो माहौल सरकार ने बना रखा और उसकी इनकी कोई जवाब नहीं है किसी, इतनी आज तक अपने जयराम जी ने इस बारे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि महंगाई के मुद्दे पे कभी बोले हों, या किसानों बागवानों के बारे में कभी बोले हों, या हमारे जो नवयुवक नवकियां जो बेरोजगार है उनके बारे में कभी बोले हों। तो मेरा यही मानना है कि हम जो उपचुनाव में जितने भी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो सब कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत लेगी, पूर्ण रूप से सभी सीटों पर जीतेगी। और साथ ही हम मांग भी करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से भी और कमीशन चुनाव आयोग से भी कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव भी तत्काल करा दिए जाएं।